हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ बहुत खास रेमेडी शेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये खास इसलिए कि इसमें कैसे जानेंगे कि गर्भ में पल रहा बेटा है या बेटी, ये आपको पक्का पता चल जाएगा। हम आपको बहुत ही अच्छा साधारण सा नुस्खा बताने वाले हैं। जैसे कि हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पेट में लड़का है या लड़की, उसके हम सारे लक्षण आपको बताएंगे। सोनोग्राफी से बच्चे का लिंग पता करना अपराध है। यहाँ हम आपको बस कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप ये अंदाजा लगा सकेंगे कि आपके पेट में लड़का होने के क्या लक्षण होते हैं और लड़की होने के क्या लक्षण होते हैं। फिलहाल हम आपके मन को शांत करते हुए इन अपराधों से बचने की बहुत ही ज्यादा साधारण अच्छी सी घर की बनाए हुए नुस्खे बताते हैं, जिससे आप पता लगा सके कि गर्भ में पल रहा बेटा है या बेटी। हम आपको बहुत साधारण सा उपाय बताएंगे, घर का नुस्खा बताएंगे, जिसे आप करेंगे और आपको पता चल जाएगा गर्भ में पल रहा लड़का है या लड़की। आपके मन में ये चल रहा होगा कि महिला का पेट ऊपर की ओर उठा हुआ होता है तो लड़का होगा या लड़की, अथवा महिला का पेट नीचे की तरफ उभरा हुआ होता है तो लड़का होगा या लड़की, तो इसकी मदद से पता लगा सकते हैं। महिला के स्तन का दूध निकाल लें और उसमें एक जू निकाल कर डाल दें। जू डाल दें, अगर जू बिना मरे बाहर आ जाए तो लड़की होगी, अगर नहीं आई तो लड़का होगा। बिल्कुल इससे पता चल जाएगा कि गर्भ में पल रहा बेटी है या बेटा। सुबह उठने पर अगर महिला सुबह के दौरान उठने में थका हुआ महसूस करे खुद को, गर्भ में पल रहा लड़का नहीं है, वो लड़की है। अगर आपके राइट स्तन लेफ्ट स्तन के मुकाबले बड़ा है तो पेट में लड़का है, और अगर लेफ्ट स्तन बड़ा है तो पेट में पल रहा बच्चा लड़की है। अगर हाथ सुंदर नजर आए, गोरे और कोमल हो जाए तो समझ लें कि इसके लड़की होगी। साथ ही अगर हाथ काले से होने लगे, रूखेपन से होने लगे, खुश्की से आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ये लड़के होने के लक्षण है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा आसान है, आप ये दो तीन नुस्खे इस्तेमाल करेंगे, इससे आप पता लगा सकते हैं कि गर्भ में पल रहा बेटी है या बेटा। बहुत ही ज्यादा आसान है। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं।